हमने सारोजी का साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। मैं उद्धव को तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। उन्होंने उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में भेज, मेरे को होटल में भेजा, उन लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शरद जी इज़ द सीनियर नेता है। शरद जी यूपीए के सबसे सबसे कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या? देश भर देखो शरद जी क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? क्या करेगा बैठ के? जिसका फल कि देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। रीजनल पार्टी को मजबूत करने की बात की, जितने भी रीजनल पार्टीज है ममता जी, जितने भी रीजनल पार्टीज है उनको मजबूत करने की जरूरत है, वो आगे बढ़े। फिर उस बारे में तुमची पण भूमिका हीच आहे का, म्हणजे काँग्रेसला वगळून एक वेगळा फंड तयार होऊ शकतो का?